झारखंड में घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने के आरोपी निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। झारखंड के रांची में ऐसी खबरें सामने आई जिससे रोंगटे खड़े कर दिए। रांची में घर में काम करने वाली युवती पर जुर्म की सारी इम्तिहान पार कर दी गई और आरोप बीजेपी नेता सीमा पात्रा पर लगा है। अब बीजेपी से निलंबित सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची से सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया गया है। सीमा पात्रा के घर काम करने वाली युवती ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि सीमा पात्रा ने कभी गर्म तवे से जलाया तो कभी रॉड से दांत तक तोड़ दिए और भूखे प्यासे कमरे में बंधक बनाकर रखा। उसने बताया कि उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया गया। जुर्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। सीमा पात्रा ने इस युवती को पेशाब भी जीभ से साफ करने को मजबूर कर दिया। उसे गर्म तवे से जगह जगह पर दागा गया। लोहे की रॉड से उसके आगे के 3-4 दांत तोड़ दिए गए। उसने बताया कि उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी और ये 1-2 महीने की कहानी नहीं है। जुल्म का ये सिलसिला पिछले 8 साल से जारी था। गौरतलब है कि सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वो रिटायर्ड IAS महेश्वर पात्रा और सीमा पात्रा के घर में मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। यहां काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। सुनीता पर किए गए बेइंतहा जुल्म। बता दें कि बीजेपी से निलंबित नेतृत्व सीमा पात्रा पर अरगोड्डा थाने के IPC की धारा सहित SCLT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। झारखंड के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर पुलिस ने कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता को बीते 22 अगस्त को मुक्त कराया। सुनीता का अभी रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। उसके शरीर पर दर्जनों जगह कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना पानी तक बंद कर दिया गया। वो खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही है। उनकी जुबान से ठीक से आवाज तक नहीं निकल रही है। सीमा पात्रा के जुर्म की शिकार मेड सुनीता ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया। सीमा पात्रा रिटायर्ड IAS की पत्नी है। मेड को प्रताड़ित करने का मामला सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीमा पात्रा किस कदर बेरहम थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने बेटे को बेड़िया लगाकर जबरन रांची के चर्चित मानसिक आरोग्य शाला रिम्स में भर्ती करा दिया था। बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मेड को 3rd degree टॉर्चर दिए जाने का विरोध किया था। दुनिता ने बताया कि एक दिन किसी तरह मोबाइल पर सरकारी कर्मचारी विवेक आनंद को मैसेज भेजकर उसने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अरगोड्डा थाने के शिकायत दर्ज कराकर रांची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने रांची पुलिस से उसे 22 अगस्त को सीमा पात्रा के रांची के अशोक नगर स्थित आवास से सुनीता को रेस्क्यू किया। सुनीता के इस तरह की हो रही जुर्म पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर कहें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। सुनिए ना, वो जो अंकल जो है ना, अंकल भी सुबह उठते थे ना, योगा करते हैं सुबह, रोज योगा करते हैं। मैट बिछा के कुत्ते कही थी वो नेट बल्ब जला के आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम सुनीता कुमारी। कहाँ घर हुआ? मेरा असली नाम घर है सिकरिया मेट्रो का घर है। अच्छा अच्छा और दे दीजिए।